देखिए इस क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। देखिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के बारे में बोलना हैज़ मेड प्रोटेक्शन फॉर हाउ द राइजेस इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है कैन बी रेस्ट्रिक्टेड हो कैसे उसको कम से कम करा सकते हैं विद इन 1.5 डिग्री और प्री इंडस्ट्रियल लेवल में तक उसको लेके आ सकते हैं। तो उसके बारे में बोलना है, IPCC के बारे में डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पर जो बोला है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बोला है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है क्योंकि मैंने अभी बहुत सारा वीडियो बनाया है। तो देखिए तो 1.5 डिग्री से हम 2 डिग्री से हम जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहे हैं ठीक है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो अभी इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बारे में बोलना है थोड़ा सा। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बोलना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलना है। एंड यहाँ पर आपको IPCC का देखिए यहाँ पर ये 4 डिफरेंट पाथवे ने उसके बारे में बोलना है, P1 P2 P3 P4 एंड कैसे ग्लोबल टेम्परेचर को हमें कम कर सकते हैं, CO2 को हम कैसे कम करा सकते हैं। तो यहाँ पर बोलना है आपको एंड बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज BCS के बारे में बोलना है एंड डिफरेंट पाथवे दावा P1 के बारे में बोलना है, सोशल सोशल के बारे में बोलना है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना है एंड रैपिड कार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी सप्लाई की तरफ आपको बोलना है। यहाँ पर पढ़ ली पहले लीजिएगा थोड़ा सा, मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। देखिए P2 में क्या बोल रहा है, P2 में यहाँ पर बोल रहा है एनर्जी इंटेंसिटी के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बोलना है, हेल्दी कंजम्पशन पैटर्न, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी ऑफ BCS, P3 मिडिल ऑफ रोड सिनेरियो, सो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें करना होगा एंड P4 रिसोर्स एंड एनर्जी इंटेंसिव सिनेरियो को देखना होगा, स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ BCS। तो कंक्लूजन बोलना है हमें रिक्लाइमिंग और द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल वैलिडिटी को देखना होगा एंड ग्लोबल समिट जो होते हैं तो उसमें भी अच्छे से इंडिया को पार्टिसिपेट लेना चाहिए और हमें इसको कम करना होगा ठीक है। इसके बारे में और भी काम करना होगा, प्लास्टिक फ्री बनाना होगा ठीक है, बहुत सी प्लांटेशन करना पड़ेगा। ओके थैंक यू।